तो दोस्तों नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हम अपने जो लाइट का बिल है उसे हम चेक करना चाहते हैं कि एक्चुअली में कितना आया है इस मंथ, इसी के साथ में आखिर हमें छूट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और आखिर छूट मिल रही है तो आखिर कितनी छूट मिल रही है, कितना हमें बिल जमा करना पड़ेगा। इसी के साथ में काफ़ी लोग कहते हैं कि सातवें मंथ में या फिर आठवें मंथ में अगर हम बिल को यहाँ पर जमा करते हैं तो इस मंथ जो दो मंथ होते हैं जो कि इनमें छूट ज़्यादातर चलती है, ठीक है, तो जो मंथ है वो यहाँ पर आठवां चल रहा है, और इसी के साथ में अगर हमारा बिजली कनेक्शन है और इसी के साथ में हमें खाता संख्या पता नहीं है तो वो किस तरीके से पता कर सकते हैं वो भी हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये काम आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, और इसके लिए अगर आपके पास लैपटॉप पीसी है तो आप उससे भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो कि मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं वो है एकदम बिल्कुल फ्री, ठीक है, आपको यहां पर कोई भी पैसा वगैरह पे करना नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल के अंदर क्रोम को ओपन कर लेंगे, ठीक है। क्रोम को ओपन करने के बाद मैं आपको बता दूँ, मैं यूपी से हूँ तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप कोई अन्य राज्य से हैं, ठीक है, यानी कि अगर आपका कोई दूसरा राज्य है तो आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं कि आखिर आप कौन से राज्य में रहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये राज्य के हिसाब से अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूपी वाले हैं वो यहाँ पर लिखेंगे UPPLC लिखकर और यहाँ पर सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद में जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर आ जाएगी, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो वेबसाइट को लेकर काफ़ी सारे बदलाव भी किए जा रहे हैं लगातार, ठीक है, तो काफ़ी लोगों के जब भी हम लैपटॉप पीसी में ओपन करते हैं तो ये नीचे वाले ऑप्शन आते ही नहीं है, ठीक है। ये तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप कर लेता हूँ, थ्री लाइन पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा डेस्कटॉप साइट, ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। अगर आप लैपटॉप पीसी यूज कर रहे हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पर नीचे वाले जो कनेक्शन वाले ऑप्शंस हैं ये नहीं आएंगे, वहाँ पर आपको डायरेक्ट ही ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। वो ऑप्शंस किस तरीके से आएंगे, जैसे कि मैं चलिए आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमें बिजली बिल से रिलेटेड हमें जानकारी चाहिए तो हमें इसमें देखने को मिल गया है बिल भुगतान, ठीक है, इसी पर ही हम सिंपली क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर बैक कर रहा हूँ, एक बार लगता है दूसरे वाले पे गलत हो गया क्लिक, तो हमें यहाँ पर मिल गया है बिल भुगतान, ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे हम सिंपली क्लिक कर देते हैं तो अगर आप लैपटॉप पीसी यूज कर रहे हैं तो आपको वो डायरेक्ट इस पेज पर ला के रख देगा, ठीक है, और यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सिंपली क्लिक कर देते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे कि आखिर हमारी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है मेरी बरेली है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ बरेली। मैंने यहाँ पर बरेली सिलेक्ट कर दिया है। इसी के साथ में यहाँ पर ये ज़रूर आना चाहिए MBBNL, ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देना है, तो मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पर है तो मैंने यहाँ पर इसे एंटर कर दिया है। उसके बाद में आ जाता है कैप्चा कोड, यानी कि 6+9 यानी कि कितने होते हैं, तो यहाँ पर ये जोड़ के ही आते हैं ज़्यादातर, ठीक है, कभी हो सकता है माइनस का आ जाए, तो यहाँ पर ज़्यादातर प्लस की आते हैं, तो इन्हें आपको जोड़कर यहाँ पर एंटर कर देना, जैसे कि 6 और 9 कितने हुए 15, तो हम यहाँ पर 15 एंटर कर देंगे। अगर आपके पास जो कि विद्युत खाता यानी कि संख्या नंबर नहीं है अकाउंट नंबर, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ होगा वो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, ठीक है, तो आप यहीं से ही कर सकते हैं ये काम। इसी के साथ में आप व्हाट्सएप पर भी जाकर अपना खाता संख्या पता कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है तब, ठीक है। उसके बाद में हम व्यू पर सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सिंपली क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने जो कि हमारे बिल से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जैसे कि नेम, ठीक है, इन जो कि यहाँ पर कनेक्शन किया गया है तो यहाँ पर जो नेम है वो यहाँ पर गलत डाल दिया है मेरा, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है लव शंकर, ठीक है, हालांकि मेरा नाम है प्रेम शंकर और आप सभी लोग भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है यहाँ पर ड्यू डेट, ठीक है, ड्यू डेट है यहाँ पर इसकी जमा करने की इतनी, यानी कि 20/8/2024, ठीक है, और जो यहाँ पर बिल दिखा रहा है वो दिखा रहा है 16,302 रुपये, ठीक है,
इसी के साथ में अब यहाँ पर जो छूट हमें कितनी मिलेगी वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती, ठीक है। पर यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बता रहा है कि जो छूट है वो हमें यहाँ पर मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो चलिए मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर हमें छूट नहीं मिल रही है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर हमें छूट नहीं मिल रही है। अब छूट नहीं मिल रही है तो हम पेमेंट करें कि नहीं करें ये आपके ऊपर निर्भर रह जाता है, ठीक है, कि अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और आप यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर मिल गया है व्यू बिल, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि 4 बार 6 6 आए हैं, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया और मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर व्यू बिल, ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और हम इसे ओपन कर लेंगे तो हमारे सामने जो सारी डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम जो PDF फाइल है वो हम यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर बैक करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर बरेली सिलेक्ट कर लिया है, 5 और +3 8 हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर 8 एंटर कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर व्यू पर सिंपली क्लिक कर देंगे। अगर आपकी यहाँ पर छूट मिलेगी, ठीक है, तो आपको इसी में ही देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं पर भाजने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार हम कहीं जनसेवा केंद्र से कराएं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें छूट मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो आपको यहाँ पर 16,302 रुपये आपको पे करनी ही होगी। पे करने के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है सबमिट का ऑप्शन नीचे में, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि जो कि नेम और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम, अकाउंट नंबर और किस नाम पर ये कनेक्शन है। उसके बाद में ईमेल आईडी अगर आपकी है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो मत डालिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका यही है, हाँ यही है तो सही है। उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है जानकारी आपको जानने के बाद, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है, सारा कुछ जानकारी। उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है, आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, QR और यहाँ पर मिल जाता है वॉलेट और उसके बाद में आ जाता है UPI, ठीक है, तो हम इसके ज़रिए भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है जैसे कि पे बाय एनी UPI, ठीक है, तो चलिए मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। अब हमारे सामने यहाँ पर वॉलेट आ जाएंगे, ठीक है, जिस भी वॉलेट के थ्रू आप पैसे पेमेंट यहाँ पर करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादातर लोग हैं गूगल पे फोन पे चलाते हैं, तो मैं उसी के ही तरह बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप बिल्कुल पे कर पाएँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद अब हमारी जो स्क्रीन है शायद आपको यहाँ पर ब्लैक दिखाई देती हो, ठीक है, नहीं दिखाई देती है तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, स्क्रीन है वो यहाँ पर ब्लैक हो जाएगी जब भी मैं अपना यहाँ पर UPI पिन डालूंगा तब, ठीक है। और उसके बाद में जो पेमेंट है वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी। पेमेंट होने के बाद आप वहाँ से ही स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के साथ में जो आपका बिल है वो कम्प्लीट ही यहाँ पर भर सकते हैं आप घर बैठे ही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।